सीधा लाते तो जो संदेश देना बाहर की दुनिया में जाकर के पांडवों का काम है, तो पांडव क्या करते हैं? It is the task of the Pandavas to go to the outside world and give the message. But what do the Pandavas do? कन्या माताओं को साथ में ले जाएंगे प्रभाव दिखाने के लिए. They will take the maidens and mothers along with them to show their influence. तो उल्टा हुआ और सीधा हुआ. ये तो और उल्टा कर रहे हैं. So, did the wrong thing or the right thing happen? In fact, what they are doing is all the more wrong. Do service, but with the support of a connection, not independently. Just like every branch is connected with the trunk, similarly, if you have good connection with the special souls who are instruments, there will be great success. Avyatvani, 14th January 1979, page 217, beginning. हमारा ज्ञान तो प्रैक्टिकल ज्ञान है. Our knowledge is certainly the practical knowledge. सिर्फ बोल बोल का ज्ञान नहीं है. It isn't just the knowledge involving lecture. हम अपने अंदर दिल झांक करके देखें. We should peep into our heart. कि कन्याओं माताओं का हम कितना रिगार्ड करते हैं. How much regard do we give the maidens and mothers? हम खुद ही रिगार्ड नहीं करते, खुद ही उनको बात बात में ठुकराते हैं, तिरस्कार करते हैं, नीची नजर से देखते हैं, तो दूसरों को क्या समझावेंगे? When we ourselves don't regard them, when we ourselves neglect and disrespect them, look down upon them every now and then, what will we explain to others? बाबा को आकर के बोलना पड़ता है. बाबा हैज टू कम एंड से कि सारी डोरी कन्याओं माताओं के हाथ में दे दो. गिव द एंटायर कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ द मेडन्स एंड मदर्स. कन्याओं माताओं के द्वारा डायरेक्शन रिले होने चाहिए. ऑल द डायरेक्शन शुड बी रिलेड बाय द मेडन्स एंड मदर्स. बार बार बोलना पड़ता है माता को गुरु बनाना पड़े. He has to say again and again, you will have to make the mother your guru. प्योरिटी के मामले में कन्याओं माताओं को अगर गुरु न बनाया तो पवित्रता हाथ नहीं आवेगी. If you don't make the maidens and mothers the gurus in the subject of purity, you won't gain purity. पुरुष पुरुषों को प्योरिटी की बात नहीं सिखा सकते. मेन कांट टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी टू मेन. अभी तक भी देखा जाता है. इट इज सीन इवन नाउ. गीता पाठशालाओं में बड़े आराम से भाई लोग पालथी मार के यूं बैठ जाएंगे क्लैरिफिकेशन देने के लिए. इन द गीता पाठशालास द ब्रदर्स विल सिट डाउन वेरी कंफर्टेबली विद देयर लेग्स क्रॉस टू गिव द क्लैरिफिकेशन. माताएं बैठ करके सुनने लगती हैं. द मदर्स सिट एंड स्टार्ट लिसनिंग टू देम. और बाबा ज्ञान का कोई पॉइंट आता है माताओं से ही पूछा जाता है. अगर वो नहीं बोल पाती तो भाई को उस समय कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? अगर वो अगर कुछ क्लैरिफिकेशन दे या डिस्कशन करे बाबा का जो पॉइंट और तरीके से बोलो सीना तान की नहीं. बाबा व्हेन अ पॉइंट ऑफ नॉलेज कम्स अप द मदर्स देमसेल्व्स आर आस्क्ड अबाउट इट. बट इफ दे आर अनेबल टू आंसर शुड द ब्रदर्स स्पीक एट दैट टाइम और नॉट? If they give some clarification or discuss the points narrated by Baba, say it methodically, not with your chest thrust out, that is with pride. Student, Baba, is even that becoming a guide? हाँ, बोलो, ऐसे बोलो कि बाबा ने मुरली में ऐसा बोला. Yes, do speak up, but say, Baba has said it in the Murli. Baba ne iska ye jawab diya.
बाबा एंसर्ड इट दिस वे, ऐसे जवाब ना दो कि हम ही पंडित जी हमारी बात मानो। डोंट आंसर इन सच अ वे सो एज टू इम्प्लाई आई अलोन एम अ पंडित जी। ओबे मी, तुमको कुछ नहीं आता, हम हैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य। यू डोंट नो एनीथिंग, वी आर वर्दी ऑफ बिकमिंग योर गुरु। हमको अभी अभी संदली की गद्दी दे दो। गिव अस द संदली राइट नाउ। संदली मींस द टीचर सीट। है? Another student, they look down upon the mothers. In case of the couples who follow the knowledge, even they look down upon the mothers. ज्ञान में चलते हैं। Do they follow the knowledge? है? स्टूडेंट दे डू। हाँ हाँ, वो चाहे युगल हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो। यस यस, वेदर दे आर कपल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और एनीवन। अगर युगल हैं, इफ दे आर अ कपल और माताओं को डिसरिगार्ड करते हैं, वाचा से डिसरिगार्ड करते हैं, and they disregard the mother, if they disregard them with speech, आंखें लाल पीली करते हैं, glare at them, कोई भी तरीके से disregard करते हैं, or disregard them in any way, तो इससे साबित होता है कि वो अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझते हैं। It proves that they don't consider themselves to be souls or brothers amongst themselves. वो पहली पढ़ाई में ही फेल हैं। They have failed in the very first lesson. ये बाहर की दुनिया की बात सन्यासियों की बताई मिसाल देकर के। He spoke about the outside world by giving an example of the sannyasis. लेकिन आधारभूत तो दुनिया में भी लागू होती है, वो तो समझ में आ रही है। You do understand that it concerns the world of the root souls. लेकिन advanced party में भी यही धंधे चल रहे हैं। But the same kind of business is also going on in the advanced party. क्या? What? ऐसे ऐसे groups निकल पड़े हैं जो कहते हैं अकेला बाबा थोड़े पतितों को पावन बनाए लिए संग के रंग में। Such groups have emerged who say Baba alone won't purify the impure ones through the color of his company. हम ब्राह्मण बच्चे भी तो हैं। We, the Brahmin children, are also present. वो हम बन करके बैठ जाते हैं। They claim themselves to be Shiv. और सेवा लेना शुरू कर देते हैं। And they start taking service from others. ऐसों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके कन्याओं माताओं को। It is necessary to be very careful with such people, especially the maidens and mothers. पांडवों का तो इतना बिगाड़ नहीं होगा। The Pandavas won't degrade so much. अगर थोड़ा सा ज्ञान है बुद्धि में तो। If they have at least some knowledge in their intellect. क्योंकि पांडवों के लिए तो फिर भी ज्ञान है क्या? पांडव ऊंची स्टेज में जाकर गल मरे। इट इज बिकॉज देर इज स्टिल अ प्रेज फॉर द पांडवास। व्हाट? द पांडवास वेंट टू अ हाई स्टेज एंड मेल्टेड। क्या? व्हाट? ऐसी ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं कि अपने देह अभिमान को नष्ट कर ही देते हैं। दे मेक पुरुषार्थ फॉर सच अ हाई स्टेज दैट दे एनीहाउ डिस्ट्रॉय देयर बॉडी कॉन्शियसनेस। लेकिन कन्या माताओं के लिए गायन क्यों नहीं है? However, why aren't the maidens and mothers praised like that? पांडवों का गायन है, कन्या माताओं का गायन नहीं है। It is the praise of the Pandavas, not the maidens and mothers. क्यों? Why?
जब स्वर्गारोहण हुआ तो सबसे पहले कौन धराशायी हो गया? Who fell first of all when the Pandavas were heading towards paradise? Draupadi. Draupadi. इससे क्या साबित हुआ? What does it prove? नहीं. A student replied, No. इससे ये साबित हुआ कि पुरुषों में बुद्धि फंसाई ली. It proves that she entangled her intellect in men. सन्यासियों को अपना गुरु मान लिया, उनसे प्रभावित हो गई. She accepted those sannyasis as the guru and became influenced by them. क्या करना है? What do you have to do? अभी इसलिए मैं बोला कन्याओं को विशेष ध्यान देना है, इस बात पर माताओं को विशेष ध्यान देना है. शिव बाबा के सिवाय हम और किसी से तो गाइडेंस लेना शुरू नहीं कर दिया. Now it has been said in the Murli, The maidens have to be particularly careful in this matter. The mothers have to be particularly careful. Have we started to take guidance from anyone else apart from Shiv Baba? Aur kisi ko guide to nahi bana diya. Have we made anyone else a guide? Baba ne pehle hi ishara diya tha. Baba gave a hint beforehand. Sachet kar diya tha. He made you alert. In the yagya mein gadbad padegi. अगर पांडव गाइड बनेंगे कन्या माताओं की. Obstacles will arise in this yagya if the Pandavas become the guides of the maidens and mothers. पांडवों को क्या बनकर रहना है? What do the Pandavas have to be? सिर्फ गार्ड बनकर के रहना है. They have to be just guards. जैसे माताओं के लिए बोला. Just as it was said for the mothers. कन्याओं की ढाल बनकर के रहें. They should become a shield for the maidens. कन्याएं तलवार हैं ज्ञान की. The maidens are the swords of knowledge. माताएं ढाल हैं. The maidens are the shields. ऐसे कन्याओं माताओं दोनों के लिए, पुरुषों पांडवों के लिए क्या बोला? Similarly, what was said for the men, the Pandavas, what were they asked to become for both the maidens and mothers? पांडव क्या है सिर्फ? What are the Pandavas? गार्ड हैं. दे आर गार्ड्स. रक्षक हैं. दे आर प्रोटेक्टर्स. उनको गाइडेंस देने वाले नहीं है. दे आर नॉट द वंस टू गिव देम गाइडेंस. गाइड कौन है? हु इज द गाइड? गाइड एक शिव बाबा. द वन शिव बाबा इज द गाइड. अगर दूसरों से गाइडेंस लेना शुरू कर दिया, दूसरों दूसरों से प्रभावित होना शुरू कर दिया तो पुरुषार्थ चौपट होना जरूर निश्चित है. जैसे द्रौपदी धराशायी हो गई. If you start taking guidance from others, if you start to become influenced by others, it is certain that the purushart will be ruined, just like Draupadi fell. नाम तो द्रौपदी दिया गया. She was given the name Draupadi. द्रौपद पाने वाली. The one who obtains a firm position. लेकिन पुरुषार्थ का कैसा चौपटा हो गया. But how was her purusharth ruined? Purusharth nashta ho gaya. The purusharth was destroyed. Isliye yahan bola. This is why it was said here. Ki kanyao mataon ko khaas vishesh dhyan dena hai. That the maidens and mothers have to be particularly careful. Koi mataen kanyaen hoti hain kisi bhai se prabhavit ho jati hain gyan se. Seva se. There are some mothers and maidens who are influenced by some brothers in knowledge, in service. So they say, "आप समझाओ." So they say, "You explain." आपके समझाने से ये आत्मा पैदा हो जाएगी, बाप का बच्चा बन जाएगी. If you explain, this soul will be born in knowledge and become a child of the father. ये भूल जाती हैं बाबा ने ज्ञान कलश किसको दिया है? They forgot whom Baba gave the urn of knowledge. माताओं कन्याओं को दिया है. He gave it to the mothers and maidens. तो अपने प्रभाव को भूल जाना. So they forgot their own power. बाप के प्रभाव को भूल जाना. They forgot the power of the father. और मनुष्य गुरुओं को निमित्त बना दिया. And made human gurus the instrument. तो पुत्रवान भव हो जाएंगे. Then will they become putravan bhav, that is the one blessed to bear children? Shesht putra ka janma hoga.
विल देयर बी द बर्थ ऑफ एन एलिवेटेड चाइल्ड? क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? क्या करना चाहिए? व्हाट शुड दे डू? हाँ, वो सेम हिम्मत करें उन्हें समझाने की. स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, दे देमसेल्फ शुड हैव द करेज टू एक्सप्लेन टू देम. जितना हो सके भाई लोग खुद आगे ना बढ़े समझने समझाने के लिए. As much as possible, the brothers shouldn't step ahead in understanding and explaining the knowledge. The mothers and maidens should also make sure that the limit in which Baba has bound the Pandavas to hunt and bring the prey from outside, यहाँ तक उनकी सीमा है. This is as far as their limit goes. क्या? What? किसी आत्मा को कन्विंस करके, बातचीत करके और उसको कन्विंस करके, प्रभावित करके ले आए. They should have a chat and convince, influence a soul and bring them from outside. किसके सामने? Before whom? कन्या माताओं के सामने. Before the maidens and mothers. बाकी उसे पकाना, खिलाना, ये सब किसका काम? As for cooking it, serving it, to whom does this work belong? ये सब कन्या माताओं का काम. All this work belongs to the maidens and mothers. लेकिन होता क्या है? But what really happens? होता फिर उल्टा है. The opposite happens. जो संदेश देना बाहर की दुनिया में जाकर के पांडवों का काम है, तो पांडव क्या करते हैं? Going to the outside world and giving the message is the work of the Pandavas. So what do the Pandavas do? कन्या माताओं को साथ में ले जाएंगे. They will take the maidens and mothers along with them. प्रभाव दिखाने के लिए. In order to show their influence. तो उल्टा हुआ और सीधा हुआ. So, is it something wrong or right? What they are doing is all the more wrong. Will body conscious progeny be born from this, or will the soul conscious progeny be born? या पुष्कर एक वो सारस्वत पैदा होगा. विल अ स्पेशल ब्राह्मण बी बॉर्न और विल अ सारस्वत ब्राह्मण बी बॉर्न? सारस्वत ब्राह्मण पैदाइश तभी हो सकती है जब बाबा के नियमों का हम अक्षर से पालन करते रहे. द सारस्वत ब्राह्मण्स कैन बी बॉर्न ओनली व्हेन वी फॉलो बाबास रूल्स टू द लेटर. कदम कदम पर, इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत लो. That is why Baba says, take Srimat at every step. अब बाबा थोड़ी बैठा हुआ है. Well, Baba isn't sitting there. जो भी हम काम करेंगे, उस काम करते समय बाबा बैठा हुआ है? नहीं. It isn't that Baba is sitting for whatever work we do. No. बुद्धि से हम सोचें. We should think through the intellect. कि हम जो काम करने जा रहे हैं, वो बाबा की श्रीमत के अनुकूल है. इज द वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू द श्रीमत ऑफ बाबा? श्रीमत के प्रतिकूल तो नहीं. इट इजंट अगेंस्ट द श्रीमत, इज इट? अगर प्रतिकूल है तो तुरंत छोड़ देना चाहिए. इफ इट इज अगेंस्ट इट, यू शुड स्टॉप इट इमीडिएटली. कहीं कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा हिस्ट्री में. You must have also seen this at some places in the history. कोई कोई ऐसे भी होते हैं प्रजावर्ग में जो राजा की बात नहीं मानेंगे, रानी की बात नहीं मानेंगे, राज्य अधिकारियों की भी बात नहीं मानेंगे. There are some of such ones too in the subject category who will neither obey the king, the queen, nor the royal officers. राज परिवार का कोई छोटा सा सदस्य होगा, राज परिवार का, उससे उनकी इतनी दोस्ती हो जाती है कि वो उसी की बात मानते हैं, उसी की बात पे चलते हैं. They have so much friendship with a small member of the royal family
दैट दे ओबे ओनली हिम एंड फॉलो ओनली हिज वर्ड्स. तो किसकी प्रजा हुई? सो हु सब्जेक्ट्स आर दे? वो राजा की प्रजा कही जाएगी या परिवार के छोटे से सदस्य की प्रजा कही जाएगी? विल दे बी कॉल्ड द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग और द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट स्मॉल मेंबर ऑफ द फैमिली? है जो राज परिवार का छोटा सा सदस्य है, राज परिवार में सबसे कम जिसकी मान्यता है उसी की बात मानेगा, दूसरे की बात नहीं मानेगा, सुनेगा ही नहीं. They will obey only the small member of the royal family who has the least importance in it. They won't obey others. They won't listen to them at all. ऐसे भी होते हैं कि नहीं होते हैं? Are there such ones too or not? यहाँ भी आप देखेंगे शूटिंग पीरियड में. You will see here in the shooting period too. बाबा की बात नहीं मानेंगे, माँ की बात नहीं मानेंगे. That they won't obey Baba or the mother. सीढ़ी की चित्र में दिखाया है. इट हैज बीन शोन इन द पिक्चर ऑफ द लैडर. गुरुजी के चेले बैठे हुए हैं. द डिसाइपल ऑफ द गुरुजी इज सिटिंग. भगवान क्या कहते हैं इस बात पर उनकी नजर नहीं जाती. देयर अटेंशन डजंट गो टू व्हाट गॉड सेज. बुद्धि नहीं चलती. देयर इंटेलेक्ट डजंट वर्क ऑन इट. उनका गुरु क्या कहता है वो बात पकड़ लेंगे. दे विल कैच दैट इज अंडरस्टैंड व्हाट देयर गुरु सेज. माता माताओं की सेवा करे ज्ञान की, पुरुष पुरुषों की सेवा करे. मदर शुड सर्व द मदर्स विद नॉलेज. मेन शुड सर्व द मेन. कोई मना है क्या? आर दे फॉरबिडन? जो सेवा पुरुष कर सकते हैं वो ही सेवा माताएं भी कर सकती हैं. मदर्स कैन डू द सेम सर्विस दैट मेन डू. माताएं कन्याओं को माताओं कन्याओं की सेवा करनी चाहिए. मदर्स एंड मेडन्स शुड सर्व द मदर्स एंड मेडन्स. भाइयों को भाइयों की सेवा करनी चाहिए. Brothers should serve the brothers. बाकी ज्ञान सुनाने के लिए जिन माताओं को कन्याओं को निमित्त बनाया हुआ है बाप की ओर से या जो बाप की बन चुकी है उनके मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है. As for the rest, the mothers and maidens whom the father has made an instrument to narrate the knowledge, or those who have belonged to the father. Listening to the knowledge from their mouth sounds good. क्यों? Why? क्योंकि पुरुष सब हैं. दुर्योधन प्रशासन और अपने 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 हमजंस को ज्ञान सुनाओ ना. It is because all men are Duryodhan Dushasan. All of you who are Duryodhan Dushasans narrate knowledge to your humjins, won't you? हैं? कन्या माता को काय के लिए सुना रहे? Why are you narrating it to the maidens and mothers? सुनाओगे तो उनकी आंखों में आंख डाल करके देखना भी पड़ेगा. If you narrate it to them, you will also have to look into their eyes. संगदार में लगेगा कि नहीं लगेगा? Will they be colored by your company or not? लगेगा? They will. प्रदर्शनी के लिए बोला है कि प्रदर्शनी में भीड़भाड़ ज्यादा होती है और समझने समझाने वाली कन्याएं माताएं थोड़ी होती है. It is said for the exhibition. There is a huge crowd in the exhibition and the maidens and mothers who understand and explain to others are few. इसलिए ये युक्ति बताई है कि करप्शन ज्यादा ना फैले, इसलिए भाई भाइयों को समझाए और कन्याएं माताओं को समझाए. This is why this tactic is given. The brothers should explain to the brothers and the maidens and mothers should explain to the maidens and mothers so that corruption doesn't spread much. बाबा हाँ. ओ जब ज्ञान सुनाने जाते हैं ना सेवा में हाँ. और एक माता और एक भाई हाँ. जा सकते हैं रात बैठ सकते हैं या नहीं ये प्रश्न है. बाबा when we go to narrate knowledge to do service can a mother and a brother go together overnight? This is the question. अब 20 बातें पैदा होती हैं. Now many questions arise. माता सुंदर है या भोंडी है? Is the mother beautiful or ugly? माता कम उम्र की है या ज्यादा उम्र की है? Is the mother young or matured? Student, if भाई हाँ हाँ बोलो. Brother, yes, speak.
स्टूडेंट, नो मैटर हाउ शी इज, द वंस ऑफ विच एज कैन गो एंड ऑफ विच एज कांट गो. माताओं को माताएं नहीं मिलती हैं साथ में लेने के लिए. डोंट द मदर्स फाइंड अदर मदर्स टू टेक अलोंग? नहीं, अगर नहीं मिली तो. स्टूडेंट, इफ दे डोंट फाइंड एनी. सही है, कहीं हो सकता है क्या? कैन दैट बी पॉसिबल एनीवेयर? इतनी माताएं बैठी हैं, इतनी माताओं को कोई साथ देने के लिए सहयोगी नहीं मिलता. सो मेनी मदर्स आर सिटिंग, डोंट यू फाइंड एनीवन हेल्पफुल हु इज रेडी टू हेल्प यू अमंग सो मेनी मदर्स? स्टूडेंट, इट मीन्स दे शुडंट गो विद द ब्रदर्स. यस, बाबा कह देते ज्यादा अच्छा. इट इज बेटर इफ बाबा सेज दैट. परमिशन मिल जाएगी. दे विल गेट परमिशन. हाँ, फिर तो छोटे हैं. देन दे आर फ्री. स्टूडेंट कमेंट्स, अपना पति है, ज्ञान में चलता है, उसको साथ ले जाओ, बाबा परमिशन देंगे. इफ यू हैव अ हस्बैंड एंड ही फॉलोज द नॉलेज, टेक हिम अलोंग विद यू, बाबा विल परमिट यू. कोई तो नहीं चलता है ना बाबा. स्टूडेंट, सम हस्बैंड्स डोंट फॉलो द नॉलेज बाबा. नहीं चलता है तो ले जाना जरूरी है क्या? इफ ही डजंट फॉलो द नॉलेज, इज इट नेसेसरी टू टेक एनी ब्रदर? है और माताएं, उनका सहयोग ले लो. देयर आर अदर मदर्स, टेक देयर हेल्प. मैच्योर्ड माताओं को लो साथ में. टेक मैच्योर्ड मदर्स विद यू. कम उम्र वाली माताओं को मत लो. डोंट टेक यंग मदर्स विद यू. मैच्योर्ड माता जा सकते हैं. हाँ, जाओ जाओ जाओ. स्टूडेंट, मैच्योर्ड मदर्स कैन गो. यस, गो गो. अनदर स्टूडेंट, कैन दे गो आफ्टर द एज ऑफ 50? 50 की उम्र. 50 इयर्स ऑफ एज. 50 से ज्यादा होने वाला माता जा सकते. स्टूडेंट, कैन द मदर्स हु आर मोर देन 50 इयर्स ओल्ड गो? 50 से उम्र ज्यादा हो. इफ देयर एज इज मोर देन 50. ज्यादा उम्र से कनेक्शन नहीं है. इट हैज नो कनेक्शन विद द एज. उम्र ज्यादा भी हो जाती है तो भी कोई बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. सम लुक वेरी ब्यूटीफुल डिस्पाइट बीइंग ओल्ड. बाबा, द मेन हैव टू गिव नॉलेज टू द मेन एंड द मदर्स हैव टू गिव नॉलेज टू द मदर्स. अच्छी बात है. इट इज अ गुड थिंग. तो अगर कोई भाई जा रहा है तो कोई बहन मिल जाए या कोई माता मिल जाए तो उनको ज्ञान. इफ अ ब्रदर इज पासिंग बाय एंड ही फाइंड्स अ सिस्टर और मदर, शुडंट ही गिव देम नॉलेज? डाइवर्ट कर दो. डाइवर्ट देम. ये रास्ते में अकेले कहीं. व्हाट इफ समवन इज अलोन? हां, अकेले में ही तो माया पकड़ती है. यस, माया कैचेस होल्ड ऑफ यू ओनली व्हेन यू आर अलोन. स्टूडेंट, ऑन अ ट्रेन और बस जर्नी. हाँ, परमिशन लेने के लिए माया खास परमिशन इसीलिए तो मंगवाती है. कहीं मौका बेमौका कोई इच्छा हो जाए, काम चल जाए. यस, माया स्पेशली मेक्स यू सीक परमिशन so that if you have some desire at some or the other occasion, you can make use of that opportunity. नहीं तो परमिशन लेने की भी क्या दरकार? बाबा शादी करें, मौके बेमौके शादी करनी पड़े. Otherwise, what is the need to even ask for permission? Baba, should I get married if I have to at times? जो बात बाबा ने इशारा दे दिया तुम्हें उसमें सेफ्टी लगती है तो उस इशारे को मानो. The indication which Baba has given, if you find safety in it, accept it. ज्ञान सुनाने के लिए तो बाबा ने बोला हुआ है, कन्याओं माताओं के मुख से ही ज्ञान सुनना अच्छा लगता है. As regards narrating knowledge, Baba has certainly said, knowledge sounds good from the mouth of the maidens and mothers alone. Yeah. What? उनको दुर्योधन दुशासन का टाइटल ले दिया, वो बैठ के ज्ञान सुनाए. Those who are given the title Duryodhan Dushasan, if they sit and narrate the knowledge,
अच्छा लगेगा। Will it sound good? नहीं। No. कन्या माता है ज्ञान सुना है, लेकिन कन्याओं को बाहर की दुनिया में ना भटकाया जाए तो ज्यादा अच्छा। This is why the maidens and mothers should narrate the knowledge. However, it is better if the maidens aren't made to roam in the outside world. माता जा सकती है दो दो तीन दिन। Students, no. Can the mothers go? Mothers can go. 2 to 3 mothers can go together. दो माताएं मिलकर के जाएंगी क्या सर्विस कर? 2 mothers together can go anywhere and do service. वो भी सफेद बालों वाली माता है, धोनियों वाली अकेले चली जाए? In addition, if it is a mother with white hair and wrinkles, she can go alone. What will anyone do? Hey Baba, अभी जाके अपन एक को कोर्स करके आया। हाँ। फिर दूसरा तो एक तो भाई लोग क्या करता है, मैं भी जाके कोर्स कराऊँ। वो अच्छा नहीं सुना है, उससे अच्छा सुना है। तो इससे वो एक दो ऐसा करता है, वो क्या मतलब उसके क्या कार्य है, कुछ मालूम नहीं करता है। Student, Baba, I went and gave course to one person recently. Then, 1 to 2 brothers said, we will also go and narrate the course. That one didn't narrate nicely. I will narrate it even better. What is his intention? What is the reason behind it? Brother Narayan will narrate his experience. नारायण ने 50-60 लोगों का सब कितने लोगों को परिवार इकट्ठे हो गया। ब्रदर नारायण गैदर्ड अ फैमिली ऑफ 50 to 60 मेंबर्स। द फैमिली ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स वाज गैदर्ड? स्टूडेंट्स ऑफ 100। लगभग 100 का परिवार पूरा इकट्ठा हो गया। ही गैदर्ड द फैमिली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 मेंबर्स। फिर सांप क्या करता है मालूम? देन डू यू नो व्हाट अ स्नेक डज? कुंडली लगा के बैठ जाता है, अंडे देता रहता है। इट कॉइल्स अराउंड एंड सिट्स एंड इट कीप्स लेइंग एग्स कंटिन्यूअसली। उनमें से कोई एक आध अंडा बाहर निकल गया तो बच गया। इफ एन एग गोज आउट ऑफ द कॉइल इट इज सेव्ड। और बाकी अंदर जाने जाता है। अदरवाइज द स्नेक गॉबल्स डाउन ऑल दैट आर इनसाइड द कॉइल। एडवांस में ये एक विशेषता है। दिस इज अ स्पेशलिटी इन द एडवांस नॉलेज। किसी को कुछ भी कुछ सुनाने की दरकार नहीं। यू नीडंट नरेट एनीथिंग टू एनीवन। किसी को कोर्स देना है? इफ यू हैव टू गिव कोर्स टू समवन। मम्मी बाबा की जो कैसेट्स हैं। द कैसेट्स ऑफ मामा एंड बाबा। मम्मा की भी कुछ कैसेट्स ऐसी हैं कोर्स की। देयर आर आल्सो सम कैसेट्स ऑफ कोर्स बाय मम्मा। वो कैसेट सामने रख दो सुनाने के लिए। Keep those cassettes in front of him for playing. वो ध्यान से सुनेगा तो एडवांस नॉलेज सारी आ जाएगी। If he listens to them carefully, he will receive the entire advanced knowledge. कोर्स मम्मी बाबा की कैसेट कराती है? The cassettes of Mama Baba narrate the course. गुरु जिनके अंधे होते हैं, जिन्हें सो जरा दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो अंधे को सो जरा भी दिखाई नहीं पड़ता और सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता। Those whose guru is blind, those who aren't able to see daylight at all, it is because when the sun rises, a blind isn't able to see the daylight as well as the sun. वो कथानक उठाया गया है महाभारत से। That story has been taken from the epic Mahabharata. Mahabharata mein? In the Mahabharata, jo Kauravon ka mukhi hai, wo andha Dhritarashtra dikhaya gaya. The chief of the Kauravas is shown to be the blind Dhritarashtra. Usko Gyan Surya Bhagwan nahi dikhai padta. The son of knowledge God isn't visible as God to him. सामान्य मनुष्य देखने में आता है। He, that is God, is visible to be an ordinary human being too. तो उन धृतराष्ट्रों को फॉलो करने वाली जितनी भी सेना है,
सारी कौरव सेना का सत्यानाश हो जाता है। सो द एंटायर आर्मी दैट फॉलोज दैट धृतराष्ट्र, द एंटायर कौरव आर्मी इज रूइंड। अभी भी ऐसे ही है। इट इज द सेम इवन नाउ। बाप ज्ञान सूर्य उदय होने वाला है। द फादर द सन ऑफ नॉलेज इज गोइंग टू राइज। जो सो रहे बच्चे हैं, द चिल्ड्रन विद एन आई साइट, सो रहे बाप की औलाद हैं, हु आर द प्रोजेनी ऑफ द फादर विद एन आई साइट, ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे हैं, द चिल्ड्रन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ द सन ऑफ नॉलेज, उन्हें तो पक्का पक्का बाप दिखाई देते हैं। They are able to see the father firmly. जिन्हें नहीं दिखाई देता है वो और प्रार्थियों में भ्रमित होते रहते हैं। Those who aren't able to see him keep being misled in the other parties. भटकते रहते हैं। They keep wandering. जैसे भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहे। Just like they kept suffering blows in the path of bhakti, aise yahan bhi dhakke kha rahe hain. Similarly, they are suffering blows here as well. Isliye kahavat bani hui hai. This is why the saying has been coined. Guruji ke alale chela satyanash. The disciples of the blind guru are ruined. Bap Dada also says Vande Mataram to the very sweet mothers. Vande Mataram means I bow to the mother. It is because even the father Brahma surrendered everything to the mother Guru in the task of the establishment of the new world. The very specialty or newness of this Ishwarian knowledge is to keep the incarnation of Shakti ahead. To establish the order of the mother Guru, this itself is newness. This is why Gomukh, that is, cow's mouth, is praised and worshipped as the Yadgar too. Avyaktvani, 3rd April 1983, page 113, beginning.